क्या जरूरत थी आपको खुला के कागजात बनवाने की? क्या लगा था आपको कि आप चले जाएंगे और वो साइन कर देगी? आज ही तो कल साइन कर देगी। बीमार शख्स के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से निभाएगी। बेवकूफ बना रहे वो लोग उसे, करती रहे उसकी तीमारदारी। फवाद शौहर है उसका, मोहब्बत करती है वो उसे। नहीं होती मोहब्बत, मोहब्बत कुछ भी झाग बन के उड़ जाती है मोहब्बत। क्या है उसके पास इबू देने के लिए? ना नौकरी है ना वो कोई काम कर सकता है। इन सब बातों का इल्म था उसे, फिर भी कबूल किया उसने फवाद को। अब सिकंदर को बात की, आप बार बार वहां जाकर अपना तमाशा ना बनाए। जिबू को नौकरानी बना के रख देंगे। आप उसे प्लीज उसके हाल पे छोड़ दें, वो आपकी बात नहीं मानेगी। सिकंदर को अपनी बात मानी आती है। सिकंदर खुद को समझता क्या है? उसकी इतनी जुरत, वो खुला के कागज लेकर आ गए, शर्म नहीं आई उसे? इतना अच्छा जवाब दिया ना जेबू ने उसे। ये अच्छा नहीं हुआ कि उसे फवाद की बीमारी का पता चल गया। सिकंदर जैसा बेहस बेजमीर इंसान किसी का दुख दर्द कहां समझ सकता है? और फवाद को भी इससे बहुत तकलीफ पहुंची होगी। वैसे फवाद को ना अपनी बीमारी के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन उसने इस बारे में ना किसी से कभी कोई बात नहीं की। वो अपने दुख सुख सिर्फ सेबू के साथ शेयर करता है। अब हरगिज सिकंदर को इस घर में मत आने देना। अगर उसने आने की कोशिश की तो इस घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन सुकून से नहीं रहने देगा वो हमें। इससे तो बेहतर था कि वो मनहूस सिकंदर ना परदेश वापस ही चला जाता। अब हमें उससे कत ताल्लुक कर लेना चाहिए, यही हम सब के लिए बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप, अगर अब सिकंदर यहाँ आया तो वो जेबू से मिल भी नहीं सकेगा।